सुपरहिट पंजाबी चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। तो भाई इस लड़की को छेड़ा है और कमांड हो गया दिल्ली का, तो क्या होगा अभी बताओ। दिल्ली कौन बोला दिल्ली का यहाँ पे? चलो सही है, तो समझ सकते हैं लोग क्या होगा। झारखंड क्या बात है, चंडीगढ़ भारत यार मैच जीत गया इंडिया वर्ल्ड कप। ओके सो तान्या, जब जब हम लोग मूवी देखते हैं, वेन एवर योर पार्ट कम्स, एक वो इमोशनल पार्ट है वो सबसे ज्यादा आपके रोल से आता है। सो इतने ब्लड, इतने स्वेट में, इतने एक्शन में, वॉज इट इजी टू एक्ट विद एवरीवन हियर? आई मीन आई स्टिल गॉट द इजीएस्ट स्लाइस ऑफ द केक आई थिंक। द बॉयज वर डूइंग एवरीथिंग, इनकी थी मार धाड़, उनको लग रही थी चोटें। मैं एज यू सेड इट वाज द इमोशनल पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर मी, बट या मुझे तो बहुत मजे आए, आसान था नहीं था, बस मजे आ रहे थे। सो आई थिंक दैट्स मोर इंपोर्टेंट। सर यही होता ना, लड़कियों के चक्कर में झगड़े होते हैं। बट वी लव तान्याज परफॉर्मेंस आल्सो, एक बार तान्या के लिए भी शोर बजा दो। सो राघव, वी लव योर डांसिंग। कर लो डांसिंग की बात कर लो, एंकरिंग की बात कर लो, अब मूवीज की बात कर लो, एवरीथिंग यू हैव राघव। सो द होल कास्ट इज सेक्सी, बट माय क्वेश्चन टू राघव इज के इसमें भी आपने सार्कास्टिक कॉमेडी तो करी है ना, सो हाउ वाज द रोल कम्प्लीटली डिफरेंट आपको कॉमेडी से जब ये एक्शन ऑफर हुआ तो आपको इजी लगा या आपको लगा कि कुछ चैलेंज है तो एक्सेप्ट करते हैं? वही लास्ट वाला। वैसे कम बोलना पसंद करते हो या आज कम बोल रहे हो? आज मेरा मन है कम बोलने। अच्छा, अगर परमिशन है तो एक क्वेश्चन और पूछूं? बिल्कुल। मेरे मन में हमेशा आता है राघव को देख के, जब भी आपको कोई रोल मिलता है आप हमेशा उसमें डर जाते हो, प्लीज थोड़ा एलैबोरेट करके आंसर देना, ऐसे कैसे? यार क्या बात है अभिषेक, अमन लिखा है भाई तुम खोल दो, तीन चार चीजें मेरे हाथ में। ये स्ट्रैटेजी आपको सपोर्ट करना है, आप कम बोलना चाहते हो ना, तो पानी में जो पिलाएंगे तो क्वेश्चन क्या था? यार मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि कुछ भी ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, ये फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीना कैरेक्टर की रिदम को पकड़ने के लिए थोड़ा काम किया इसमें चीजें की, मगर मजेदार था यार। इसको ट्रेन से जो मैंने फेंका मैंने भी एक्टिंग करनी है, एंड व्हाट चैलेंजेस यू फेस व्हेन यू वर इन एक्टिंग पीरियड, मुझे भी आपको फॉलो करना है बिकॉज़ आई फॉलो यू ऑलरेडी, एंड क्या किया आपने ऐसे जो आप एक्टिंग इतनी सुपर करके हमारे सामने आए हो? यार ऐसी जो भी चीज करते हो उसको सीखो, क्राफ्टेड वेल क्राफ्टेड हो उसको, उस चक्कर में जैसे नहीं पढ़ना है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो एक्टिंग भी आ जाएगी, पिक्चर भी आ जाएंगी। वो सबसे पहले जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं चक्कर हटा दो, क्योंकि उससे एक्टिंग नहीं आती, इंस्टाग्राम के फॉलोअरों से फॉलोइंग से एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग आती एक्टिंग करने से। तो वो उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात ये आग का दरिया है, डूब के जाना है बेसिकली, तो इसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मतलब, प्लेस पढ़ो, नाटक देखो, लोगों से मिलो ऐसे जो बहुत ज्ञानी हो, ऐसे प्रैक्टिसेस करो जो आपको आपकी क्राफ्ट में मदद करें, दैट्स इट। और बाकी सुनो, हिंदुस्तान ट्रैवल करो लोकली, हर तरह के इंसान से मिलोगे, एक्टिंग अपने आप आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम यू विल कम टू सी माय मूवी, डन, प्रॉमिस Promise. Very good. अंदर वो रखनी चाहिए।